दोस्तों हम स्टार्टिंग की कॉइल जो रखेंगे वो 25.5 इंच रखेंगे। ये हमारी कॉइल स्टार्टिंग की 25.5 इंच है और इसमें हम वायर यूज करेंगे 29 नंबर। दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग का 4 का सेट बन गया है। अब मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने ये रनिंग की कॉइल डाली, इसका इनर वायर ये निकाल लिया मैंने, इसी तरीके से एक वायर ये निकाल लिया, दो वायर मेरे निकल गया। अब मैं जो कॉइल को स्टार्ट करूंगा डालने के लिए दोस्तों, वो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। तो हाँ, स्टार्टिंग की कॉइल जो है 1 से 4 फीट में इसको इंस्टॉल करूंगा, बड़ी आसानी से हमारी कॉइल लग जाएगी। बहुत अच्छे से हम इसको पेपर को लगा देंगे, हमारा पेपर लग जाएगा। इसी तरीके से हम देंगे स्लॉट भी, जिसमें दोस्तों एक कॉइल होती है, इसमें हम डबल कॉइल कर देते हैं। स्टार्टिंग की कॉइल जो है इस तरीके से डल जाएगी। दोस्तों इस तरीके से हमारी, दोस्तों फिर हम इस तरीके से इसको घुमा देंगे, इस तरीके से हम जो है इसको कॉइल को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इसको घुमा देंगे। ये हमारी जो है, जैसे कि आपने देखा, हम एक स्लॉट पेपर लगा देंगे। कॉइल वायर लगाने में दिक्कत हो तो एक स्टिक ले लें अच्छी सी, जिससे कि वायर ना छिड़े, आसानी से धीरे धीरे उसके अंदर वायर डाल सकते हैं। ये हमारी कॉइल कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैं आपको तीनों कॉइल डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। इसी तरीके से हम दूसरी कॉइल डाल देंगे। दोस्तों मेरी स्टार्टिंग की 2 कॉइल इसमें लग गई है, अब तीसरी और चौथी कॉइल भी आपको लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग की लास्ट कॉइल है, इसको हम आसानी से स्लॉट में लगा लेते हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको जो है इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा। मेरी सारी कॉइल डल चुकी हैं दोस्तों, कॉइल को मैं अच्छे से हाथ से गोल बना लेता हूं, जिससे कि कॉइल देखने में अच्छी लगे, और इन दोनों कॉइलों के बीच में पेपर लगा लेता हूँ। या तो PVC शीट लगा सकते हैं या आप ग्रीन शीट भी लगा सकते हैं। मैं इसके अंदर PVC शीट लगा ले रहा हूँ। PVC शीट लगाने के बाद में इसको धागे से टाइट करके बांध लेंगे, क्योंकि कॉइल जितनी टाइट करके बांधेंगी उतनी अच्छी रहेंगी। अगर आपके पास ग्रीन शीट है या ब्लैक पेपर है वो भी लगा सकते हैं, मगर एग्जास है तो इसके अंदर थोड़ा सा कोई भी पेपर लगाएं तो वो थोड़ा मोटा ही लगाएं, हल्का पेपर यूज़ ना करें, क्योंकि अगर पेपर हल्का होगा तो वो आपस में जल जाएगा और कॉइलें आपस में शॉर्ट हो सकती हैं। दोस्तों ये हमारे PVC शीट जो है वो लग गई है, मैं इसे धागे से अच्छे से बांध लूँगा। धागा बांधने के बाद में दोस्तों फिर मैं कनेक्शन की साइड से कनेक्शन निकाल लूँगा। यह एग्जास्ट फैन है दोस्तों, एग्जास्ट की मोटर है, काफ़ी अच्छी जो है स्पीड में चलती है ये। हम जल्दी से इसके कनेक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो चुकी है। वीडियो मैंने एक्चुअल में क्या है दोस्तों, मैंने वीडियो को पूरा दिखाया आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने वीडियो को पूरा ही दिखा दिया जी, किस तरीके से मोटर बनता है उसी तरीके से मैंने पूरी वीडियो ही बना। दोस्तों इसमें धागा जो लग जाता है, 1 मीटर का धागा अगर आप काट लेंगे तो
मीटर, 1 मीटर इसमें हो जाता है दोस्तों, आराम से हम कॉइल को 1 मीटर में बांध सकते हैं। कोई अच्छे से कॉपर वायर की जो एक सुई बना लें, जिससे कि हमारी स्लॉट में से धागा निकलता रहे। और धागा बांधते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि अगर धागा आप नीचे से डालते हैं स्लॉट के अंदर, तो कोई भी वायर उसके अंदर फंसे नहीं। अगर वायर उसमें फंस गया तो हमारा वो जो वायर फंसा हुआ होगा, वो हम जैसे ही खींचेंगे वो टूट जाएगा। ये हमारा धागा फाइनली बंध गया है दोस्तों, और इसको मैं जो है बांध दूंगा। अब मैं कनेक्शन निकालूंगा दोस्तों। कनेक्शन जो होते हैं इसके दोस्तों, वो सीरीज में रहती है दोस्तों। ये कनेक्शन जो है हमारे निकल गए। जैसे मेथड मैंने पहले बताया था कनेक्शन का, सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा इसका। आगे से आगे, पीछे से पीछे वाला मेथड होगा इसके अंदर भी। और फाइनली हमारे रनिंग के 2 तार और स्टार्टिंग के 2 तार निकल जाएंगे इसमें से। और वायर कॉपर का निकालें, लीड, मेन लीड जो उसकी निकलती है वो कॉपर की अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे कि जले ना, क्योंकि एग्जास एक एम्पेयर लेता है। कोई भी हल्का वायर जो होता है जल जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मिनी एग्जास्ट की होगी दोस्तों। मैंने जो मैं 37 नंबर से बना के दिखाऊंगा, काफ़ी हाई स्पीड में। अब इसमें रनिंग वाले वायर को जो है मैं, और बहुत कम बोल्ट पे ही वर्क करेगा, और हाई बोल्ट पे भी वो जलने की संभावना है, उसमें कोई उम्मीद नहीं होगी, जलेगा नहीं। अपने अकॉर्डिंग उसी मैंने वायर जो यूज़ किया है वो 37 यूज़ किया है, 37 नंबर से बनाया है दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने कनेक्शन निकाल दोस्तों, ये हमारा 18 इंच एग्जास्ट फैन बनकर तैयार हो गया है, रेडी है। इसमें हम बार्निश लगाने के बाद में हम इसको फिट करके चला सकते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।